मंसूर अख्तर कौन है ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। 61 साल के मंसूर अख्तर ने, अगर आपको बताना चाहें तो 1980 से 1990 के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए 19 टेस्ट मैच और 41 एक रोज़ा मैच खेले। 1987 में जब क्रिकेट का चौथा आलमी कप पाकिस्तान और भारत में मुनक्किद हुआ, इमरान खान की क़यादत में खेलने वाली टीम में मंसूर अख्तर शामिल थे। मंसूर अख्तर इन दिनों कराची में मौजूद हैं और उनका कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से इस हवाले से राबता करने की कोशिश की है। फ़िलहाल उनका राबता नहीं हुआ है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से गुफ्तगू करने के बाद मीडिया में आकर अपना मौक़िफ पेश करेंगे। इस तमाम सूरत हाल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस टूर्नामेंट में जहां खिलाड़ियों को हमने शिरकत की इजाज़त दी है, जो कनाडा में मुनक्किद हो रहा है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बाकायदा मंजूर शुदा एक टूर्नामेंट है, उमर अकमल के हवाले से उन्होंने तस्दीक की कि उमर अकमल ने बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से आगाह किया है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मंसूर अख्तर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा इस हवाले से, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बाकायदा पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन उमर अकमल ने मंसूर अख्तर के हवाले से रिपोर्ट दी है। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मंसूर अख्तर के हवाले से जो भी फैसला करेगा उसका पाबंद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही होगा। तो जनाब ये एक और किस्सा सामने आया है और क्या होगा क्या नहीं आने वाला वक्त उस बात का खुलासा करेगा। देखें उमर अकमल इस हवाले से क्या कहते हैं, मंसूर अख्तर क्या कहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा।